जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। क्वेश्चन नंबर एक, समांतर सीढ़ी रूट 18, रूट 50, रूट 98, रूट 162 का डैश समांतर होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, डी का ए टू माइनस ए वन क्या होता है, तो मतलब हुआ कि रूट 50 माइनस रूट 18, तो ऐसे घटेगा नहीं, इसको हमको वर्गमूल के रूप में बाहर करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 2 × 25 और माइनस 2 × 9, ये 25 जो है 5 का वर्गमूल है इसलिए ये बाहर हो जाएगा, और ये 9 जो है 3 का इसलिए बाहर हो जाएगा, ठीक है। घटाएंगे तो 2√2 हो जाएगा, तो 2√2 में कौन है, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, यदि 2/3 माइनस ए माइनस 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, तो ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा, तो देख लीजिए हम घटा दें, फॉर्मूला क्या होता है, ए टू माइनस ए वन बराबर ए थ्री माइनस ए टू, ठीक है, फॉर्मूला होता है ए माइनस 2/3 बराबर 2 − a, तो 3 − 2/3 बराबर 2a − 1, कोने का गुना कर दीजिएगा, 3 − 2 बराबर 6 बराबर 3a, तो 3a इधर माइनस इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा, 3a बराबर 6 प्लस 2 बराबर 8, तो 6a, तो या a बराबर कितना हो जाएगा, 8/6 तो बराबर कितना हो जाएगा, 4/3, आंसर कितना हो जाएगा मेरा, 4/3, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखिए क्या है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और समांतर डी हो, तो इसके प्रथम इन पदों का योगफल क्या होगा, तो एक फार्मूला है, क्या है फार्मूला, क्या होता है, एस एन बराबर एन बाई टू इन टू मतलब बड़ी कोस्ट 2a प्लस एन माइनस 1 गुने डी कोस्ट 1, ठीक है, ये फार्मूला होता है, डायरेक्ट यहाँ पर टिक लगा दीजिए, आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, समांतर श्रेणी ए 5, 8, 11 बराबर का 11वां पद क्या होता है, 11वां पद क्या होता है, टी एन का है, टी एन निकालने के लिए कर रहा है, तो टी का क्या होता है, टी का क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी, ये फॉर्मूला होता है, ए का मान कितना हो जाएगा, पहला जो होता है ए होता है, और दूसरा में से पहले घटाते हैं तो डी निकल जाता है, ठीक है, तो 11 है, ए 11 − 1 डी कितना है मेरा, तो 5 + 2 क्या, कितना हो जाएगा 3, तो 2a + 10 × 3 तो 2 + 30 = 32, ठीक है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, जब भी ऐसा हो क्या कीजिएगा कि 11 में से देखिए 11वां पद करें ना, तो एक कम कर दीजिएगा, कहाँ गया 11वां में से, तो 10 में इसका अंतर जो होगा 5 में से 2 जान का जो अंतर हो उसे गुना कर दीजिए 30 हो जाएगा, और जो प्रथम पद होगा उसको जोड़ दीजिएगा, ठीक है, पहला को, तो 32 हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगला चलिए दोस्तों देखते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो समांतर श्रेणी कौन नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो देख लीजिए इसका जो अंतर हम करेंगे ना, घटाएंगे ए टू माइनस ए करके, तो क्या हो जाएगा, इसमें जो घटाएंगे 0.22 में से 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.02 हो जाएगा, यहाँ 0 को लगाना पड़ता है, ठीक है, बराबर करने के लिए, फिर ए थ्री माइनस ए टू 0.22 − 0.22, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.22 हो जाएगा, देखिए ऐसे क्या होगा, 0 की संख्या बढ़ती जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे, तो ये ए पी में नहीं होगा, इसलिए क्या ना होगा ए पी में, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0.02 यहाँ 0.002 है, तो यह ए पी में नहीं है, बाकी सब ए पी में होगा, कैसे होगा देखिए चेक कर लीजिए, एक का स्क्वायर कितना, जैसे एक का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है 7 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का 25 होगा, 7 का 49 होगा, इसका अंदर कीजिएगा 24 होगा, इसका अंदर कीजिएगा तो 24 होगा, ये दोनों डी बराबर है, इसलिए क्या है ये ए पी में है, ए बी इसी प्रकार है, ये रूट से बाहर √2 है, उसको बाहर कीजिएगा 8 तो 4 × 2 = 8 तो 4√2, फिर उसको बाहर कीजिए 18 तो 3√2, देखिए घटाइएगा ना तो √2 बचेगा, इसको घटाएगा दोनों में से तो √2 होगा, ठीक है, मतलब इसका डी समान है, इसलिए जैसा ये और ये और ये ए पी में है, अर्थात ये ए पी में नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देख लेता हूँ क्या होगा, हमको डी निकालना, क्या निकालना है, तो डी बराबर क्या फॉर्मूला होगा, डी बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सॉरी डी निकालना है ना, तो पहले हम ए वन मानेंगे 5 − 3n 5 − 3 × n मतलब n बराबर 1 मानेंगे, तो 5 − 3 = 2, अब ए टू मानेंगे सॉरी n का मान 2 मानेंगे तो कितना हो जाएगा 5 − 6 = −1, अब डी निकालना है तो ए टू माइनस ए वन होता है तो −1 का −2 कितना हो जाएगा −3 हो जाएगा, मेरा आंसर कौन हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यदि समांतर श्रेणी 3, 7, 11 का 14वां पद क्या होगा, 14वां पद क्या होगा, तो देख लीजिए क्या होगा, इसमें फॉर्मूला क्या निकालेंगे हम, फॉर्मूला क्या आएगा इसमें, क्या लगेगा 3 = a + n − 1 × d, तो 14 है, टी एन का कितना 14, ए कितना हो जाएगा मेरा, ए मेरा 3 हो जाएगा,
एन कितना है 14 माइनस सी डी कितना होगा 7 में से 3 घटा लेंगे तो 4, 3 प्लस कितना हो जाए 13, 4 तो 3 तो 52, 3 कितना हो जाएगा 55, कितना हो जाएगा 55, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला समांतर श्रेढ़ी 16 11 6 5 1 मतलब 16 कमा 11 कमा 6 कमा 1 कमा 4 है का एनवा पद क्या होगा, एनवा पद निकाला हमको यहाँ भी यही फॉर्मूला आएगा, देख लीजिए क्या होगा यहाँ पर एन बराबर यहाँ पर एनवा पद, देखिए ये तो 16 हो गया और टी कितना हो जाएगा घटा देंगे 11 में से 16 तो 5 माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए तो एन हमको निकाल एन बराबर एन ही रखना होगा, ए का मान हो जाएगा मेरा 16 एन माइनस ए गुने माइनस 5, माइनस 5 कैसे हुआ पता है ना, 11 में से 16 घटाएंगे तो डी मेरा निकलेगा तो माइनस 5 प्लस 5 तो 16 माइनस 5 प्लस 5 एन होगा। ठीक है, तो 5 माइनस 16 5 21 5 एन 16 माइनस 5 कौन है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों समांतर श्रेढ़ी 0 कॉमा 1 बाई 8 कॉमा 1 बाई 4 कॉमा 3 बाई 8 बराबर डॉट डॉट का समांतर क्या होगा, अंतर क्या निकालना, तो यहाँ भी डी ए निकालना है, डी वन बराबर ए टू माइनस ए वन, ए टू कितना है मेरा 1 कॉमा 8 सॉरी 1 बाई 8 कॉमा 0 घटाएंगे बटा घटा बनाएंगे तो 1 माइनस 0 1 बाई 8 कौन हो गया मेरा आंसर 1 बाई 8, ये वाला मेरा आंसर हो गया। आगे देखिए आगे मेरा क्या है आंसर, लेकिन कौन सा समांतर श्रेढ़ी में है, कौन सा समांतर श्रेढ़ी में है तो देख लीजिए इसमें कौन सा समांतर श्रेढ़ी में हो जाएगा, देख लीजिए ये 0 0 की संख्या बढ़ जा रही है तो ये नहीं होगा, यहाँ 10 100 ये भी नहीं है, ये पहाड़ा का 2 4 9 8 2 16 ये भी नहीं है, तो एपी में कौन है, ये है कैसे एपी में है, देखिए उसको चेक कर लेते कैसे एपी में है, 0 माइनस 4 कॉमा माइनस 8 माइनस 12, देखिए अब फॉर्मूला से घटाएंगे ना ए टू माइनस ए वन करेंगे तो माइनस 4 और माइनस 0 तो माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर ए टू माइनस ए थ्री करेंगे सॉरी ए थ्री माइनस ए टू करेंगे तो माइनस 8 और माइनस 4 प्लस 4 तो माइनस 4, देख लीजिए इसका डी मतलब इसका डी मिल रहा है, दोनों का अंतर ये मिल रहा है ना, तो क्या है इसलिए एपी में, बाकी सबका नहीं मिलेगा। ठीक है,